नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीआईए वन की टीम ने स्नैचिंग के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से शहर में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और पूछताछ में आरोपियों ने 3 स्नैचिंग के मामलों का खुलासा किया। इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि विश्वकर्मा चौक पर 3 युवक वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर गुरमेज सिंह, एएसआई रवि प्रकाश, मुकेश रणधीर हरदयाल की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इनकी पहचान विष्णु नगर निवासी पंकज राणा, ससौली माजरी निवासी प्रिंस और रवि के नाम से हुई। आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो आरोपियों ने 3 स्नैचिंग के मामलों का खुलासा किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी लंबे समय से शहर में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी प्रिंस की बाइक पर वारदातों को अंजाम दिया गया। टीम ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि आरोपियों ने 15 दिन बाद ही छोटी लाइन संतपुरा रोड पर पैदल जा रहे एक युवक से मोबाइल छीन लिया और फिर 15 मिनट बाद आरोपियों ने प्रेमनगर में फोन पर बात कर रही एक युवती से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद युवती को धक्का मारकर फरार हो गए। आरोपियों ने एक ही दिन में 2 वारदातों को अंजाम दिया। इसके अलावा बस स्टैंड यमुनानगर के पास से 8 जनवरी को फिर से एक व्यक्ति से फोन स्नैच किया गया। जगाधरी से हमारी संवाददाता गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। वारदात काफी बढ़ रही थी तो दिनांक 11/1 को लगातार 2 स्नैचिंग हुई थी 15 मिनट के अंतराल पे। उसमें 3 लड़के थे, उन तीनों लड़कों को हमने कर लिया है, राउंड अप कर लिया है और तीनों से हमने 2 वारदातों का खुलासा किया। हम दोनों मान लिए हैं और दोनों के फोन बरामद कर लिए। और कितनी की वारदातें खुली? उसके अलावा एक और वारदात का खुलासा हुआ है, उसमें अभी हम जांच जारी कर रहे हैं और अभी उसे पूछताछ जारी। सर, कहाँ के रहने वाले हैं व्यक्ति? इसमें 2 लड़के रवि और प्रिंस जो है ससौली माजरी के रहने वाले हैं, दोनों पड़ोसी हैं। और एक ये लड़का है पंकज राणा जो ये खालसा स्कूल के पीछे फरकपुर का रहने वाला। सर, इन्होंने कोई घर में भी चोरी की थी या सारी स्नैचिंग ही? नहीं, इनके ऊपर पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और कोई पहली बार इन्होंने किया। सर, कारण क्या है स्नैचिंग का? स्नैचिंग का कारण यही है कि नशे के आदी है और नशे की लत की वजह से इन्होंने स्नैचिंग की है। किसकी बाइक पे वारदात को अंजाम दिया? ये प्रिंस था लड़का जो जिसके पास ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर बैठ के तीनों लड़के उस दिन इन्होंने दोनों फोन स्नैच किए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।